इंशिता थिरक रही है दो दो बलियों के साथ। नच बलिए के मंच पर वो थिरक रही है रियल लाइफ हस्बैंड और रियल लाइफ हस्बैंड दोनों के साथ। ऐसा लगता है कि इंशिता के लिए इन दोनों ही लड़कों में शुरू हो गई है एक छोटी सी जंग और दोनों ही मानो सबसे बेहतर साबित होने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल थी डांस करने में। ये भी मैं डिनाई नहीं करूंगी कि करण के साथ मेरी स्टेपिंग बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं उसके साथ 3 साल से काम करती आ रही हूँ, डांसेस करती आ रही हूँ, बहुत सारे शोज इन्होंने किए। और मुझे भी, मैं तो हमेशा से बोलता आया हूँ, इनको भी करण को भी बोला मैंने कि यार तुम दोनों के ना यू गाइस आर फायर ऑन स्क्रीन, मतलब नोबडी कैन टेक दैट अवे, लव्स अस टुगेदर, आई लव देम टुगेदर। करण पटेल दिव्यंका और विवेक का हौसला बढ़ाने आए थे, उनके परफॉर्मेंस को देखने आए थे। दिव्यंका और विवेक ने परफॉर्मेंस भी ऐसा किया कि मंच पर ना सिर्फ प्यार के दिए जल उठे बल्कि देखने वालों के चेहरे भी खिल उठे। मैं बताना चाहूंगी, विवेक ने खुद डिजाइन किया है, उन्होंने बताया था एग्जैक्टली कि क्या स्टाइल होना चाहिए। डिजाइन नहीं किया, I'm not a designer. No, but I had a vague idea because हमारी जो परफॉर्मेंस थी उसको सोचकर मुझे नहीं चाहिए था कि हम कुछ ज्यादा ओवर ग्लैमरस कुछ भी पहने, तो आई वांटेड टू कीप इट सिंपल फॉर हर एंड यू नो ड्रेस हर लाइक जैसे पुराने जो कैथोलिक गर्ल्स होती थी, क्रिश्चियन गर्ल्स पुरानी फिल्मों में दिखाते थे। नच बलिए के आने वाले एपिसोड के लिए सारी जोड़ियों ने खूब तैयारी कर ली है और हाँ, थोड़ी सी चिंता भी शुरू हो गई है क्योंकि अब स्कोर मिलने शुरू होंगे और जनता के वोट्स भी। सबसे पहली चीज ये आई थी कि हम लेट हैं, शूट पे पहुंचना है, फिर जो फील करना है वो फील करेंगे वहाँ। सुबह उठने के बाद मैं थोड़ा डरा हुआ था बिकॉज ये पहला एक्ट है जहाँ पे सबको स्कोर्स मिलेंगे और इसी के बेसिस पे हम आगे जाएंगे या शो में रहेंगे, तो उस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा डरा हुआ था कि सब अच्छा हो। अच्छा, तो ही होगा या अगर आप गौर से देखेंगे तो इतने सुंदर कपल्स हैं और सबकी कितनी प्यारी कहानी है और इस स्टेज पे प्यार के नाम पे जितने भी बैरियर्स लोगों के दिमाग में होते हैं वो सारे कपल्स ने तोड़ दिए। एक एक परफॉर्मेंस देखने के बाद लगता है कि कितने इजीली सब कर रहे हैं, कितने फील के साथ, कितनी मुस्कुराहट के साथ कर रहे हैं, तो डर भी लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, नर्वस एनर्जी पॉजिटिव में हो जाती है डेवलप, क्योंकि जब परफॉर्मेंस देखते हैं तो एक नई ऊर्जा आती है।
हर किसी की परफॉर्मेंस देखने के बाद हमको लगता है कि हमने भी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देना चाहिए। हमको देख ही सकते हो हम कौन से पोशाक में बैठे हैं यहाँ। ये पूरा सत्तू पी के बैठे हैं अभी। सत्तू पी के बैठे हैं, बस जैसे मौका मिलेगा लड़की को छेड़ना स्टार्ट कर देंगे। यही हमारा हर लड़की भी इतनी खूबसूरत है कि कोई भी छेड़ना चाहेगा, है ना? अच्छा तो आप मान रहे हैं। लेकिन हम छेड़ने नहीं देंगे। हाँ, थोड़ा फेवर तो होता ही है, लेकिन अभी हम लोग तो मतलब अभी तक हम लोगों को जितना एहसास नहीं था उम्र का, वो इस शो ने हमें दिला दिया। हम तो फील ही नहीं करते। आई एम तो स्टिल 16 एट हार्ट एंड ही इज 18 एट हार्ट। के मतलब आप लोग जब बताते हो ऐसे कहते हो आप, ये तो पता चलता है, अदरवाइज पता ही नहीं चलता एज क्या होता है। नच बलिए के इस एपिसोड में जनता को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। कपिल की बुआ के नाम से मशहूर उपासना सिंह भी यहाँ को होस्ट बनकर कॉमेडी का तड़का लगाती नजर आएंगी। मैं एक किरदार कर रही हूँ और वो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को लगता है किरदार रहेगा लोगों के लिए। तो इसमें मेरा नाम है सावित्री आहूजा। और आप देखिएगा, अगर मैं अभी से बता दूंगी तो शायद उतना इंटरेस्ट ना रहे, लेकिन इस बार का नच बलिए जो सैटरडे को आएगा उसमें मैं मेरी एंट्री दिखा रहे हैं। ये सारी जोड़ियां उत्साहित हैं और अपना जलवा दिखाने के साथ साथ तैयार हैं नच के मंच पर असली रोमांस के साथ डांस दिखाने के लिए। मुंबई से सुशीला उपाध्याय के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।